कांग्रेस में नए अध्यक्ष बनाने की मांग जोरों से उठ रही है। बीते दो सालों से इसके लिए मंथन चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आ पा रहा। मगर पार्टी के एक दिग्गज हैं जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है। इसके लिए आज दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। तो कौन है वो दिग्गज जिसे पार्टी अध्यक्ष बनाने की उठ रही है मांग, जानिए इस रिपोर्ट में। 2019 में लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी ली थी। तब से लेकर अब तक कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोरों से उठने लगी है, जिसके चलते दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्यों के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इससे पहले भी 7 सितंबर को कांग्रेस की युवा इकाई ने भी प्रस्ताव पास किया था। बीते दो सालों से कांग्रेस में नए अध्यक्ष की मांग उठ रही है। बैठकों का दौर भी चला, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया जिसे नया अध्यक्ष बनाया जा सके। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठ रही है, एक बार फिर राहुल को अध्यक्ष बना पाएगी या फिर पार्टी किसी और नाम का प्रस्ताव रखेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।